हेलो गाइज, तो हम लोग फिर से आ गए हैं मुंह उठा करके एक और ब्लॉग लेकर के। तुम लोगों ने कहा हो या ना कहा हो, हम एक ब्लॉग और लेकर के आए हैं। तो इस बार हम आए हैं अपने लखनऊ के बहुत ही प्यारे से प्लेस पे, जिसको हनुमंत धाम के नाम से जाना जाता है। ये हमारे हज़रतगंज में है और यहाँ पे हमने विज़िट पहली बार किया है, बट ये इसको बने हुए बहुत टाइम हो गया है। ये 400 साल पुराना मंदिर है जो अब बहुत अच्छा सा डेवलप हो गया है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की एक बहुत प्यारी सी प्रतिमा मिलती है, देन फिर हम मंदिर के अंदर विज़िट करते हैं तो हनुमान जी की बहुत प्यारी सी मूर्ति मिलती है। बहुत सुंदर लग रहे थे हनुमान जी। फिर हमने यहाँ पर एक प्यारा सा शूट लिया, क्योंकि यहाँ पर अभी शिवरात्रि की वजह से भीड़ बढ़ने वाली है और हमने सोचा तुम लोगों को अपडेट देनी होती है तो थोड़ा सा सन्नाटे में सूट ले लेते हैं। खैर, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो ये देखो गार्डन का एक प्यारा सा लुक, जिसको अभी हम फुल आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम पूजा पाठ कर लेते हैं। पूजा पाठ करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखो प्यारा सा गार्डन है और बहुत सुंदर लग रहा है, लिटरली बहुत प्यारा लग रहा है ये। यहाँ पर ना जिसको भी आना हो ना, एक बार आकर के विज़िट ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ से हमने अच्छे से अपना शूट वगैरह ले करके ये नदी के किनारे बैठ के प्यारी प्यारी सी वीडियोस बनाई हैं। वीडियोस तो तुम लोगों ने देखी ही होंगी। और यहाँ से हम थोड़ा सा सोचा था नाव की सवारी करेंगे, बट कोई बात नहीं, नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। तो ये देखो प्यारा सा मंदिर देख लो। अब हम आ गए हैं राधा कृष्ण मंदिर, जो भी यहीं पर ही बना हुआ है। तो ये देखो यहाँ भी बहुत प्यारी प्यारी सी मूर्तियाँ रखी हैं राधा कृष्ण जी की। तो ये देख लो प्यारा सा गार्डन है ये। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। देखा मैंने बोला था ना भीड़ बढ़ जाएगी, तो ये देखो भीड़ बढ़ चुकी है और यहाँ से हम दर्शन करके अब निकल चुके हैं। जल्दी से आए थे, जल्दी से जा रहे हैं और निकलने के बाद अब हम घर जाएंगे अपने। तो बताना ज़रूर व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करना, और अच्छा नहीं भी लगा तो भी लाइक करना। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में सभी से।